केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवपुरी जिले के करैरा में कहा कि कमलनाथ आने वाले नहीं हैं, आ गए तो लाडली बहना बंद हो जाएगी, किसानों की योजनाएं भी बंद हो जाएंगी। कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फोर्सी के मार्ग पर चलती है, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कमीशन और सी फॉर कम्युनल दंगे और सी फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स की पार्टी है। शाह आज शिवपुरी जिले में है, यहाँ वे 40 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। कांग्रेस कमलनाथ जी को आगे कर रही है, इन्होंने एमपी में कमीशनखोरी का उद्योग स्थापित किया है। शिवराज जी ने 51 से ज़्यादा गरीब कल्याणकारी योजना चालू की, लेकिन अगर कमलनाथ आ गए तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी, किसान को मिलने वाला 12,000 भी बंद हो जाएगा। कमलनाथ ने इतनी आयु हो गई है, अभी पेट नहीं भरा है। कांग्रेस पार्टी फोर्सी के मार्ग पर चलती है, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कमीशन और सी फॉर कम्युनल दंगे और सी फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स की पार्टी है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, भाजपा ने राज्य का कल्याण करने का कार्य किया। कांग्रेस पार्टी एक अनोरथ संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा। और एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, अच्छे से जानते हो ना, ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, बड़ा भूचाल। हमने पूछा क्या आएगा भाई, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा धारा 370 हट गई, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार देश को सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों,